हेलो सैडो फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग हमेशा अच्छे रहो। तो आज का हमारा टॉपिक है एसएमसी इन डेप्थ। एसएमसी को आप लोगों को ताकि इजी वे में समझ आए कि एसएमसी में जो भी डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। जितने भी मोस्ट ऑफ पीपल्स के क्वेश्चंस आए थे, मैं टेलीग्राम पे डीएम चेक कर रहा था, तो उस हिसाब से ये वीडियो है। जो लोगों को कन्फ्यूजिंग हो रही है वो किस चीज़ पे कन्फ्यूजिंग है, तो वो सब मैं इसमें आपको समझाऊंगा। ये एक छोटी सी वीडियो है जिससे आप लोगों का क्या होगा, एसएमसी का एक डाउट जो होते हैं वो क्लियर होंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जो आपको ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम ड्रॉ किया है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर लिखा है, ये हर एक लेवल पे नहीं लिखा है। जैसे ये हाई भी ब्रेक हुआ है तो इस हाई पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं लिखा है। सबसे पहले ये बात आप लोग जान लो, एसएमसी में हाई कन्फर्म करने के लिए इंड्यूसमेंट लिया जाता है। हाई एंड लो आप लोगों को तभी कन्फर्म होता है जब आप लोगों का क्या होता है, इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेता है। एंड सेकंड वन, लोगों का क्वेश्चन था कि सर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ करेक्टर में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बात बता देता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जब मार्केट कंटिन्यू एक ट्रेंड में जा रहा है, क्या कर रहा है, बैक टू बैक आपके हाई ब्रेक कर रहा है एंड न्यू हाई यहाँ पे मार्केट में क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है न्यू हाई, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट जब मार्केट रिवर्सल ले लेता है, अब मार्केट ने डाउन ट्रेंड लिया, तो अब जिस लेवल से मार्केट ने रिवर्सल लिया है उस लेवल को बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। क्या था, मार्केट ने क्या किया, अप ट्रेंड में जो मार्केट था अब वो किस में शिफ्ट हो गया, आपका डाउन ट्रेंड की तरफ आप लोगों का अब क्या हो चुका है, वो शिफ्ट हो चुका है, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट क्या था, हमारा अप ट्रेंड में था, तो हम क्या लिख रहे थे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस हाई को भी अगर मार्केट ब्रेक करता तो हम अगेन क्या लिखते, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बट अगर मार्केट ने लो को डिफेंड ना करके उसको ब्रेक कर दिया तो वो पॉइंट क्या हो गया, आपका रिवर्सल। यानी कि जो मार्केट अभी तक आप लोगों की बाय जा रही थी, अब वो मार्केट कहाँ है, आप लोगों की डाउन की तरफ आ रही है। ओके, तो ये होता है मेन डिफरेंस। तो जैसे कि अगर मैं आप लोगों को चार्ट पे दिखाऊं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, अब सिंपल से आप इधर देखो, मार्केट क्या था, आपका कंटिन्यूजन में अप ट्रेंड में था, तो कंटिन्यू मार्केट आपका अप कर रहा था, बट लिटरली मार्केट ने क्या किया, आपका प्रीवियस लो जो था उस लो को ब्रेक कर दिया। मतलब मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करी, तो अभी हमें लगा था जो मार्केट अप थी वो डाउन जाएगी, बट एक्चुअल में मार्केट ने अगेन चौक फ्लिप करके वापस अप के लिए एक मूव दिया, देन वापस मार्केट ने डाउन की तरफ मूव दे दिया। एंड डाउन देने के बाद यहाँ पे आप सिंपल देख सकते हो, मार्केट कंटिन्यू आपका डाउन जा रहा था, कंटिन्यू डाउन मार्केट आपका क्या था, डाउन ट्रेंड था। बट एक्चुअल में एक मोमेंट में मार्केट ने क्या किया, वापस अप की तरफ मूव ले लिया। मार्केट ने क्या करा, सिंपल सा, अभी तक जो मार्केट अप था अब वो डाउन आया, फिर जो डाउन था वो फिर अप चला गया, वो जो अप था वो फिर डाउन आ गया। कुछ इस तरीके से मार्केट ने क्या करा, आपका इस लेवल पे मूवमेंट्स दी है। ओके, एंड सेकंड जो लोगों का डाउट था, इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ करेक्टर। देखो बहुत से जो लोग हैं इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है फैमिली मेंबर्स। आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो स्मॉल टाइम फ्रेम है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जो बड़े टाइम फ्रेम में आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यूज़ करते हो, सेम वही चीज़ इसमें भी आपकी लागू होती है, बट सिर्फ चेंज क्या है वो चीज़ अभी अच्छे से समझना। अभी देखो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल से रिवर्सल लिया, मार्केट ने क्या कर लिया, इस लेवल से आपका रिवर्सल ले लिया है। ओके, रिवर्सल लेने के बाद इंड्यूसमेंट लिया, जैसे कि आपको पता है विदाउट इंड्यूसमेंट हाई एंड लो हमारे कन्फर्म नहीं होते, तो जैसे मार्केट ने हमारा इंड्यूसमेंट लिया, हमारा क्या कन्फर्म हो गया इधर, लो। तो लो कन्फर्म होने के बाद अब आपको इसमें क्या देखना है, ट्रेड कहाँ पे लेनी है। ओके, तो ट्रेड लेने की बारी आती है, तो सबसे पहले आपको पता है ट्रेड एक लेते हैं हम इंड्यूसमेंट से ऊपर एंड एक्सट्रीम वन। तो इधर डायग्राम में सिर्फ एक ही लेवल है जो कि है हमारा एक्सट्रीम, तो इधर हम ट्रेड लेते हैं। ओके, अब मान लीजिए ये मार्केट इस जोन में आ गया, तो जोन में आने के बाद आप लोगों को पता है हायर टाइम फ्रेम से शिफ्ट होते हैं हम लोअर टाइम फ्रेम में। एंड सबसे पहले याद रखना, अलग अलग टाइम फ्रेम होता है तो लोग इसमें सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को हायर टाइम फ्रेम 15 मिनट है तो आप लोगों को स्मॉल टाइम फ्रेम क्या यूज़ करना है, 1 मिनट। अगर आप लोग 1 आवर यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को 5 मिनट यूज़ करना है। अगर आप लोग 4 आवर यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को 15 मिनट यूज़ करना है। एंड अगर आप 1 डे यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को 30 मिनट यूज़ करना है फॉर ट्रेड कॉल्स। ओके, इस तरीके से आपका टाइम फ्रेम रहता है। एंड सेकंड, तो जैसे मार्केट आपका इस जोन में आया, जोन में आने के बाद
ये हायर टाइम फ्रेम था, अब आप शिफ्ट होते हो स्मॉल टाइम फ्रेम में। स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद आपने कुछ ये स्ट्रक्चर देखा कि मार्केट क्या कर रहा है, फर्स्ट इंटरनल लो लिया, हाई कन्फर्म किया, इस हाई को ब्रेक किया, अभी ये हाई नहीं था बिकॉज मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट अभी तक नहीं लिया। जब मार्केट इंड्यूसमेंट लेगा तभी हमारा क्या होगा, हाई कन्फर्म होगा, बट मार्केट ने अभी तक इंड्यूसमेंट लिया ही नहीं है। मार्केट क्या हुआ, शिफ्ट होते क्या हुआ, मार्केट ने एक जगह आके अपना फर्स्ट लो ले लिया है जिससे हमारा हाई क्या हो चुका है, कंफर्म। एंड अगेन मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया, डैट्स फेक बिकॉज मार्केट ने अभी तक आपका इंड्यूसमेंट नहीं लिया एंड ये फेक है। एंड जैसे इंड्यूसमेंट लिया ये आपका अगेन हाई कंफर्म और ये अगेन आपका यहाँ पे हाई कंफर्म। अब बात आती है ये हाई कंफर्म कब होता, जब मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले लेता तभी आप लोगों का ये लेवल हाई कंफर्म होता। बट एक्चुअल में जो आप लोगों को मैंने मेन डिफरेंस बताया था स्मॉल टाइम फ्रेम एंड हायर टाइम फ्रेम के बीच में, वो सिर्फ ये है कि जब मार्केट आपका बड़े टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक को टैप करती है फिर आप लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हो, तो उसमें एक चीज़ याद रखनी, सारा ये जो है यहाँ तक ये सब का सब सेम रूल्स होते हैं, बस चेंज कब होता है जब मार्केट आपके इस सप्लाई को टच कर लेती है। तो जो ये फर्स्ट लो है जो कि अभी तक क्या यूज़ कर रहे थे हम, एज अ इंड्यूसमेंट, बट अब ये एज अ इंड्यूसमेंट यूज़ नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका रिवर्सल पॉइंट, बिकॉज मार्केट ने क्या किया, आपके सप्लाई को टैप करने के बाद डाउन ट्रेंड का मूवमेंट दिया है। तो ये ही एक डिफरेंस है हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के बीच में, कि जब मार्केट आपका सप्लाई को टच करता है तो फर्स्ट इंटरनल लो एक्ट लाइक अ चेंज ऑफ करेक्टर, नॉट इंड्यूसमेंट। ये इंड्यूसमेंट की तरह आपका वर्क नहीं करेगा, ये चेंज ऑफ करेक्टर है। अब सारा लेवल्स उसी तरीके, अगेन ये इंड्यूसमेंट, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ आपका, ये एक्ट लाइक इंड्यूसमेंट, इंड्यूसमेंट लिया, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये अभी इंड्यूसमेंट है, अगर इसको लिया ठीक है, नहीं लिया तो ये इंड्यूसमेंट था, फिर अगेन ये ब्रेक हुआ तो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम उसी तरह से आपका ये जो है ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोगों को आ रहा था कि सर ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक में किस तरीके से ट्रेड करें। देखो गाइस, आप सभी को बता देता हूँ, ऑर्डर फ्लो का रिफाइन वर्जन है ऑर्डर ब्लॉक, बट प्राइमरी आपका ऑर्डर फ्लो है। अगर आप लोगों का ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है, एग्जांपल के लिए ये आप लोगों का ऑर्डर फ्लो है, ओके, इसके अंदर आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक है एंड दोनों बोथ आर अनमिटिगेट, तो याद रखना पहला मूव इधर जब मार्केट आ जाता है अगेन आपको स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है, अगेन आपको क्या होना है, स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है। एंड शिफ्ट होने के बाद अगर यहाँ पे आपको एंट्री मॉड्यूल्स मिलती है तो उसको फॉलो करना है प्रॉपर, मतलब कोई इसमें अलग नहीं है कि कुछ अलग रूल्स है या कुछ अलग है, जिस तरीके से ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट जब आपका टैप होता है सेम उसी तरीके से जब आपका मार्केट ऑर्डर फ्लो में टैप होता है तो उसी बेस पे आप लोग क्या करोगे, अपनी ट्रेड्स उस पर लोगे। मतलब इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है कि ऑर्डर फ्लो में अलग देखेंगे या ऑर्डर ब्लॉक में अलग देखेंगे, दोनों के रूल्स सेम है, बट डिफरेंस क्या है, इसका नाम ऑर्डर फ्लो है, इसका नाम ऑर्डर ब्लॉक है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम रिएक्ट होगा। एंड दूसरा, आपको जैसे ट्रेड्स पता है, एक डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं, एक एसयूवी बेस पे लेते हैं, एक आपका एंट्री मॉड्यूल्स पे लेते हैं जब मार्केट आपका ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है। सेम ऑर्डर फ्लो में भी उसी तरीके से एंट्री होती है, 5 मिनट का एसयूवी ले सकते हो आप इसमें, डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो 5 मिनट में शिफ्ट होके, जो भी आपका अनमिटिगेट जोन होंगे, अगर सिंपल एक जोन है तो डायरेक्ट ट्रेड ले सकते हो एंड एंट्री मॉड्यूल्स को भी इसमें आप लोग प्रॉपर तरीके से फॉलो कर सकते हो। मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों में जो रूल्स है आपके सेम है, इसमें आएगा तो उसी तरीके से आपको एंट्री लेनी है, इसमें आएगा तो उसी तरीके से आपको एंट्री लेनी है, बट एक चीज़ याद रखना, प्राइमरी आपका ऑर्डर फ्लो है, ओके, क्योंकि अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेट है बिकॉज ये सप्लाई पूरी अनमिटिगेट है एंड जो ये ऑर्डर ब्लॉक होता है ये सप्लाई का क्या होता है, रिफाइन वर्जन होता है बस। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, इसमें आप लोगों को कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, शैडो फैमिली ये चीज़ याद रखो, ठीक है। एंड ये जो आपको बताया, मे बी ये आपको समझ आया होगा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंटिन्यू जब एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बट अब डाउन ट्रेंड आया, जिस लेवल से मार्केट ने मूवमेंट शिफ्ट किया है आपकी तरफ से डाउन, उस लेवल को बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, बाकी कंटिन्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड चेंज ऑफ करेक्टर कब होगा, जब मार्केट अगेन आपका क्या करेगा, रिवर्सल एरिया
क्रॉस करके रिवर्सल हो जाएगा, बस उस समय आपका क्या होगा, मार्केट अगेन चेंज ऑफ करेक्टर करेगा। एंड इंड्यूसमेंट एंड चेंज ऑफ करेक्टर में डिफरेंस सिर्फ यही है, जब आपकी सप्लाई को टैप हो जाएगा तो जो भी फर्स्ट इंटरनल लो होगा वो एक्ट लाइक अ चेंज ऑफ करेक्टर, नॉट अ इंड्यूसमेंट। वो आपका किसकी तरह वर्क करेगा, चेंज ऑफ करेक्टर की तरह आपका वो प्रॉपर वर्क करेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। आई होप आप सभी को ये वीडियो नॉलेजबल लगी होगी और आप लोगों को ये थोड़ा बहुत समझ भी आया होगा जो आपका क्या था, कन्फ्यूजिंग थी। तो इसी के साथ जो आज का हमारा टॉपिक था कि डाउट्स SMC के, वो यहाँ पे क्लियर होते। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपको किस पे चाहिए आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, आप लोग DM भी कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।